सी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है? ट्रिक है, मतलब इजीली कैसे निकाल सकते। जैसे 25 का स्क्वायर अगर निकालने के लिए आ रहा है तो 25 में आगे वाला नंबर क्या है? 2। उसका 2 का अगला नंबर क्या होता है? 3। 2 के बाद जो आता है 3 नंबर इनटू 100 प्लस 25। 2 इनटू 3 6, 6 इनटू 100 600 प्लस 25 इज इक्वल टू 625। ये होता है 25 का स्क्वायर। वैसे 105 का स्क्वायर निकालना है तो 5 के आगे क्या नंबर है? 10। ये तरीका है निकालने का, फॉर्मूला है बस एक। हाँ, सब में 100 हुआ। 10, 10 का अगला नंबर 11 इंटू 100 प्लस 25। 10 इंटू 11, 110, 110 और 100। हाँ, 11025। लेकिन ये चीज सिर्फ उसी के लिए है जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। 5 के अलावा कोई और यूनिट डिजिट है तो ये तरीका काम नहीं करेगा, ठीक। वैसे एक और तरीका होता है, अब जैसे कहा कि 75 का, ये हमारे बुक में नहीं है वैसे, लेकिन देख लो 75 का स्क्वायर निकाल के क्या है। तो एक तो तरीका यही है, ये कर लो कि 7 इंटू अगला नंबर क्या है, 8 इंटू 100 प्लस 25। 8 7 56 56 into 100 5 6 0 0 और 25, इसको प्लस करेंगे तो 5 6 2 5 75 का स्क्वायर, एक लाइन में निकल गया। लेकिन एक और तरीका क्या होता है, अगर आगे मान लिया 95 का स्क्वायर निकालना, ठीक है? ये सबसे शॉर्ट ट्रिक होगी जो हम बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसी के लिए जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। 5 का स्क्वायर जैसे पीछे लिख रहे 25, 9 आगे वाला नंबर 9 है, 9 का अगला नंबर कौन सा होता है? 10। 9 इंटू 10 90 का स्क्वायर, ठीक है? ऐसे किसी जैसे 75 का ही निकाल लेते हैं, 75 का स्क्वायर पीछे लिख दिया 25, 7 और उसका अगला नंबर 8, 7 इंटू 8 56, 25 का निकाला है पीछे लिख दिया 25, 2 उसका अगला नंबर 3, 2 इंटू 3 6, वही था। फिर 105 का स्क्वायर पीछे 25, 10 का अगला नंबर 11, 11 इंटू 10 11025, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी इसको करो, फिर नोट करना। अब फिर इनको प्लस कर लेना, 1 2 2 5
2025 3025 ठीक है। कुछ दिक्कत इसमें करो। अब इसके बाद एक चीज है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तीन ऐसे नंबर, ठीक, दो ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर को प्लस करें तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आए। जैसे अगर मैंने कह दिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो है वो 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है, होता है? नहीं होता। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 का 16 कितना होता है? 25 तो होता है। इसका मतलब 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर कहा है तो तीन नंबर होंगे। पहली बात तो उसमें एक नंबर जो होगा वो बाकी दो से सबसे बड़ा होगा, तो उस नंबर को छोड़ देना है पहले और दूसरे नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर निकालना है फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर निकालना है फिर दोनों को प्लस करना है। अगर वो तीसरे वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं आ रहा तो नहीं, ठीक है। फाइव, 12 और 13 फिर ये बताना ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है कि नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। क्वेश्चन में जैसे सिर्फ तीन नंबर दिए आपकी 5, 12 और 13 बताओ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है कौन सा, 13 है तो 13 के स्क्वायर के इक्वल बाकी दो नंबर का स्क्वायर है या नहीं ये निकाल के देखना। बराबर आ रहा है तो ट्रिपलेट है, नहीं आ रहा तो नहीं। का 199